नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ओ मॉड्यूल्स जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने ओ मॉड्यूल्स के बारे में कितनी लेयर होती हैं किस किस तरीके से काम करता है आज हम उन ओ लेयर की जितनी भी लेयर्स हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं लेयर्स कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं पहली होती है फिजिकल फिजिकल दूसरी होती है डेटा लिंक थर्ड वन होती है नेटवर्क फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट फिफ्थ होती है सेशन Sixth होती है प्रजेंटेशन और लेयर होती है अप्लीकेशन लेयर ये सात लेयर होती हैं इन सातों लेयर के बारे में हम गहनता से पढ़ेंगे कि इनकी वर्किंग कैपेसिटी कौन सी होती है इनके बीच में फिजिकल लेयर्स की और फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेयर्स की फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर मैं आपको बना के बताता हूं यह पर्टिकुलर क्या होता है एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो पर्टिकुलर बाइनरी फिजिकल लेयर के अंदर जो डेटा बाइनरी में है उसको वो कन्वर्ट करता है ट्रांसमिशन मीडियम और वापस फिजिकल लेयर से किसको भेजता है डेटा लिंक लेयर को ये डेटा जाता है इसके अंदर पर्टिकुलर ये फिजिकल लेयर इसका काम करती है इसका जो मेन काम क्या होता है मेन काम मैं बता देता हूँ द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इंडिविजुअल बिट्स मीन्स जीरो वन जीरो 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 ये क्या है इंडिविजुअल बिट्स हैं इनको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर ट्रांसफर करने का काम करता है नेक्स्ट है इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल सबसे लास्ट लेयर होती है थर्ड वन है इट इज स्टेबलाइज मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शंस नेक्स्ट है इट स्पेसिफाई द मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोटोकॉल नेटवर्क इंटरफेस एंड स्पेसिफिकेशंस इंटरफेस एंड स्पेसिफिकेशंस दूसरी चीज हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फिजिकल एयर फिजिकल एयर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके अंदर पहला होता है लाइन कॉन्फिकेशन डेटा ट्रांसमिशन टोपोलॉजी और सिग्नल्स तो लाइन कॉन्फिकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो क्या होता है इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली टू और मोर डिवाइसेस जब इसके अंदर इथरनेट कार्ड कार्ड लगा रहता है जो लैन वायर के लैन वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है इथरनेट कार्ड जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करता है इसको कनेक्टिविटी देता है डेटा ट्रांसमिशन काम क्या करता है इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड वट इवर इट इज द सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन टू डिवाइस ऑन द नेटवर्क सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि वन वे कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक बार कोई भी मैसेज आता है सेकंड इससे उसको रिसीव होता होता है है और के अंदर क्या सिर्फ मैसेज जा सकता है फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है टू वे कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है मोबाइल फोन और इसके अंदर हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी एंड नेक्स्ट होता है टोपोलॉजी टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड नेक्स्ट होता है सिग्नल्स इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द सिग्नल यूज फॉर ट्रांस ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेश नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की डेटा लिंक लेयर अब डेटा लिंक लेयर क्या काम करता है इसके बारे में भी हम गहराई में पढ़ लेते हैं डेटा लिंक लेयर एक पर्टिकुलर किसी भी डेटा को लिंक करने का काम करता है पहली बात दूसरी बात यहां पर ये फिजिकल लेयर है जो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जितनी भी बीट्स हैं इनको कन्वर्ट करता है और यहां नेक्स्ट लेयर होती है नेटवर्क लेयर जिसके बीच में ये क्या काम करता है डेटा लिंक लेयर जो टी टू एच टू के साथ में और ये पर्टिकुलर क्या काम करता है फ्रेमिंग का फ्रेमिंग का मतलब कि जब कोई भी डेटा को फिजिकल लेयर से नेटवर्क लेयर के बीच में जब भेजा जाता है तो उस मैसेज को उस मैसेज को एरर फ्री एरर फ्री ट्रांसफर करने का सेंडर सेंडर से तक, से रिसीवर रिसीवर तक, तक एरर फ्री फ्री सेंड करने का ट्रांसफर uh, करने का काम करता है जिसको हम डेटा लिंक लेयर बोलते हैं दूसरी चीज दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स नेक्स्ट इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस नेक्स्ट इट इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इच डिवाइस दैट रिसाइड ऑन ए लोकल नेटवर्क नेक्स्ट होता इट कंसिस्ट टू सबवीज टू सब कौन कौन से होते हैं पहला होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के अंदर क्या होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग नेक्स्ट वन इट इज डिफाइन द एड्रेसेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर एंड इट आल्सो प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल्स मीडिया एक्सेस लेयर ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज ए लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क फिजिकल लेयर्स अनदर वन इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क अनदर वन इज फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर फंक्शंस फर्स्ट वन इज द फ्रेमिंग फ्रेमिंग क्या होता है कि जब डेटा को सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा को एयर फ्री ट्रांसफर किया जाता है तो डेटा हमेशा एक पर्टिकुलर फ्रेम के रूप में भेजा जाता है द डेटा लिंक ट्रांसलेट द फिजिकल रोबिट स्ट्रीम इन टू पैकेट नॉन एज द डेटा लिंक एड्स हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम हेडर विच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डिस्टेंशन एंड सोर्स एड्रेसेस एंड सोर्स एड्रेसेस दूसरी चीज जो मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है एक होता है हेडर। हेडर की जब मैं बात करता हूँ एक होता है हेडर, दूसरा होता है पैकेट तीसरा होता है ट्रेलर तो हेडर क्या काम करता है जब फिजिकल एड्रेसिंग का भी काम करता है जो डेटा लिंक लेयर एड्स हेडर टू द फ्रेम एंड कंटेंट ए डेस्टिनेशन एड्रेस द फ्रेम इज ट्रांस ट्रांसमिटेड टू द दे डेस्टिनेशन एड्रेस हेडर एक होता फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल क्या काम करता है फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनिटी ऑफ द डेटा लिंक इट इज ए टेक्निक थ्रू विच मेंटेन ऑन बोथ द साइड दैट नो डेटा गेट क्राफ्टेड एंश्योर द ट्रांसफरिंग स्टेशन सच एज द सर्वर विथ हाइगर प्रोसेसिंग स्पीड डज नॉट एक्सीड रिसिविंग स्टेशन विथ लोअर प्रोसेसिंग स्पीड नेक्स्ट होता है एरर कंट्रोल्स एरर कंट्रोल क्या काम करता है एरर कंट्रोल इज अचीव बायिंग ए कैल्कुलेटेड वैल्यू सीआरसी साइक्लिक रेडेंसी चेक दट इज प्लेस्ड टू द डेटा लिंक लेर ट्रेलर विच इज एडेड टू द मेसेज फ्रेम बिफोर इट इज सेंड टू द फिजिकल एयर

टाइम एट ए गिवन टाइम एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है नेटवर्क लेयर नेक्स्ट क्या होता है नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर के अंदर दो चीज होती है एक होता है डेटा लिंक लेयर अपर लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर और बीच में क्या होता है नेटवर्क लेयर जो किसी भी डेटा को किसी भी डेटा को सेंडर से रिसीवर डेटा लिंक लेयर से और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में जब सेंडर से रिसीवर रिसीवर के रूप में डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो वो किसके रूप में करते हैं पैकेट किसके रूप में किया जाता है पैकेट के रूप में ट्रांसफर किया जाता है यही डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में पैकेट्स के रूप में जो डेटा होता है नेटवर्क लेयर सप्लाई करता है जो नेटवर्क की और डेटा की सिक्योरिटी होती है इससे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसी चीज़ पे तो इट इज ए लेयर थ्री दैट मैसेज डिवाइस एड्रेसिंग ट्रेक द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क Another one determines the best path to move data from source to destination based on the network conditions, the priority of service, and other factors. The data link layer is responsible for routing and forwarding the packets. R Routers are the layer 3 device. They are specified in this layer and used to provide the routing service within an internet. Network. नेक्स्ट होता है द प्रोटोकॉल यूज टू राउट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल आर आई पी एंड आई पी वी फोर अब एक होता है आई पी पी वी फोर एक होता है आई पी वी सिक्स यह आईपीवी फोर होता है ये सिक्सटी फोर बिट का होता है और ये होता है वन ट्वेंटी एट बिट का होता है जो अभी हमारे डे टू डे लाइफ में जितने कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं वो सारे के सारे आईपीवी फोर पे चल रहे हैं और जो अब जो आने जा रहा फाइव जी नेटवर्क जो इस पे काम करेगा आईपीवी सिक्स पे काम करेगा दूसरी चीज में बात करता हूँ फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। इसके अंदर कौन कौन सा होता है एक होता है वर्किंग एक होता है एड्रेसिंग एक होता राउटिंग और पैकेटिंग पैकेटिंग इसके अंदर इंटरनेट वर्किंग के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है नेटवर्क लेयर जो पर्टिकुलर एक लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट लेयर के साथ में एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू हेडर ऑफ द फ्रेम एंड एड्रेसिंग यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट एक होता है राउटिंग राउटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर एंड इट डिटर द बेस्ट ऑप्टीमल पाथ आउट ऑफ द मल्टीपल पाथ फ्रॉम दू द डेस्टिनेशन पैकेजिंग ए नेटवर्क लेर लेयर एंड कन्वर्ट देम इंटू पैकेट द प्रोसेस इज नोन एज द पैकेटिंग इट इज अचीव बाई द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड फोर्थ हमारी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर से पता चलता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी सोर्स से डेस्टिनेशन ये सोर्स से या सेंडर से रिसीवर पर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है जो किस किस के बीच में होता है लेयर सेशन लेयर और किसके बीच में होता है डेटा लिंक लेयर के बीच में क्या काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है जो पर्टिकुलर किसी भी डेटा को कैरी करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर इज लेयर फोर एंश्योर द मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर सेंट एंड देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा यानी कि ये इंश्योर करता है कि कोई भी डेटा की डुप्लीकेशी क्रिएट ना हो जाए दूसरी बात जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कॉम्प्लेसिटी इट रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलर यूनिट नोन एज द सेगमेंट्स दिस लेयर कैन बी दो प्रोटोकॉल कौन कौन से होता है एक होता है टीसीपी जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं एक होता है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोला जाता है टीसीपी को हम बात करते हैं so it is a standard protocol that allows the system to communicate over the internet next establish maintain the connection between host when data is sent over the tcp connection then the tcp protocol divides the data into smaller units known as segment each segment travel over the internet using multiple route routes and they arrive at different order at the destination. The transmission control protocol records the packet in the correct order at the receiving end. User datagram packets protocol kya hai? User datagram protocol is transport layer protocol. It is an unreliable transport protocol as in this case, received does not send any acknowledgement. वेन द पैकेट इज रिसीव्ड देंडर डज नोट वेट फॉर एनी एक्नोलॉजमेंट देर फोर दिस मेक ए प्रोटोकॉल अनरिलाल अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं फंक्शन कौन कौन सा होते हैं एक होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग एक होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग अब नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा होता है इसके अंदर और भी कौन कौन से फंक्शन होते हैं कनेक्शन कंट्रोल होता है फ्लो कंट्रोल होता है एरर कंट्रोल्स होता है एंड फिफ्थ वन की मैं बात करूँ तो फिफ्थ वन क्या है सेशन लेयर क्या है सेशन लेयर लेयर सेशन किस किस के काम बीच में काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में काम करता है सेशन लेयर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में कौन काम करता है सेशन लेयर काम करता है ये थ्री लेयर्स होते हैं थर्ड लेयर होती है ओ एस आई की इसके अंदर इस्टेब्लिश होता है क्या सिंक्रोनाइज्ड इंटरकनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में हम जो इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं ये किसके थ्रू क्रिएट करते हैं सेशन लेयर के इंटरेक्शन किसके थ्रू करते हैं ये किसके थ्रू करते हैं इंट्रैक्शन हम सेशन लेयर के थ्रू करते हैं इसके मेन फंक्शंस जो होते हैं मेन जो फंक्शंस होते हैं वो किस किस के थ्रू होते हैं पहला होता है डायलॉग कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन डायलॉग कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं सेशन लेयर एक्ट एज ए डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स ए डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेस और वी कैन से दैट इट अलाउ द कम्युनिकेशन Between two processes, which can be either half duplex or full duplex. Synchronization Session layer adds some checkpoints when transmitting the data in a sequence. If some error occurs in the middle of the transmission of data, then the transmission will take place against from the checkpoint. This process is known as. Synchronization and एंड रिकवरी एंड नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है हमारी होती है प्रजेंटेशन लेयर। सिक्स लेयर कौन सी होती है प्रजेंटेशन लेयर। प्रजेंटेशन लेयर किन किन के बीच में काम करता है सेशन लेयर एंड अप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन काम करता है प्रजेंटेशन जो पर्टिकुलर किसी भी मैसेज को सेंडर से रिसीवर के पास में जब भेजते हैं तो ये एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने का काम कौन करता है प्रेजेंटेशन लेयर करता है ये डेटा की डिलीवरी सुरक्षित सेंडर से रिसीवर तक करने के लिए इसका काम में लिया जाता है जब हम सपोज यहां से सेंडर से ये सेंडर है ये रिसीवर है यहां सेंडर से रिसीवर के पास में मैसेज भेजा तो यहां पर सबसे पहले हमने इनक्रप्ट किया जब रिसीवर ने रिसीव किया तो यहां क्या हो गया डिक्रिप्ट डी कोड डिक्रिप्शन डेटा का और जब रिसीवर जब रिसीव करता है तो एज ए ह्यूमन ज करता है तीसरी चीज जब हम बात करते हैं तीसरी चीज जब हम बात करते हैं तो ए प्रेजेंटेशन लेयर इज मेनली कंसर्न विद द सेंटेक्स एंड सेगमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम नेक्स्ट इट एक्ट्स एज ए डेटा ट्रांसलेटर फॉर ए नेटवर्क नेक्स्ट दिस लेयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट नेक्स्ट प्रजेंटेशन लेयर इज ऑलसो नोन एज देंटेक्स लेर और इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं प्रजेंटेशन लेर के अंदर एक होता है ट्रांसलेशन दूसरा होता है इनक्रप्शन तीसरा होता है कंप्रेशन ट्रांसलेशन इनक्रप्शन और कंप्रेशन एंड लास्ट वन लेयर होती है हमारी वो लेयर कौन सी होती है एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट लेयर होती है इंपॉर्टेंट इसके अंदर कनेक्टिविटी होती है जो किस किस के बीच में होती है प्रजेंटेशन लेयर के साथ में कनेक्टेड रहती है और सबसे लास्ट जो लेयर होती है हमारी वो कौन सी होती है एप्लीकेशन लेयर होती है जिसको यूजर यूजर के साथ में इसकी कनेक्टिविटी होती है जब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जब हम पर्टिकुलर कोई भी सर्विस विंडोज एप्लीकेशन प्रोसेस और नेटवर्क सर्विसेज की बात करते हैं तो हमेशा एप्लीकेशन लेयर ही यूज में आती है इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी इश्यूज को हैंडल करते हैं किसी ट्रांसपेरेंसी रिसोर्स एलोकेशन का काम करते हैं तो वो लेयर के थ्रू ही किया जाता है एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस एज ए विंडो

एक्सेस और मैनेजमेंट जिसको एफ टी एम बोलते हैं एक होता है मेल सर्विसेस एक होता है डिक्शनरी सर्विसेस तो फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है एन एप्लीकेशन लेयर अलाउ ए यूजर टू एक्सेस द फाइल इन ए रिमोट कंप्यूटर टू रिट्रीव द फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड टू मैनेज द फाइल इन ए रिमोट कंप्यूटर मेल सर्विसेस का काम क्या होता है एन एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोर नेक्स्ट हो रहा है डिस्कवरी सर्विस में एन एप्लीकेशन प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सोर्स एंड इज यूज टू प्रोवाइड द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स और अब ये सारी की सारी आपकी ओ एस आई की लेयर थी दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने डिवाइस से कर दिया तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है आप किसी अपने दोस्त के डिवाइस से और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा नमस्कार